शाजापुर स्थानीय ट्रैफिक पॉइंट पर बुधवार को नगरपालिका राजस्व रोको टोको अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देख नगरपालिका द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों के लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि मास्क का उपयोग करें और कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी से बचें। कई लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया गया। शाजापुर जिले में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं मिला है, लेकिन आगामी समय में तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने रोको टोको अभियान चलाया है। प्रशासन के आदेश अनुसार रोको टोको अभियान नगर पालिका प्रशासन द्वारा चालू किया गया। इसमें समस्त प्रकार के लोगों जो बिना कार्य से घर से निकल रहे हैं और अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वो मास्क के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। कब तक जारी रहेगी ये कार्रवाई? ये शासन का आगामी आदेश अनुसार चलती रहेगी। जब तक शासन का आदेश रहेगा जब तक कार्रवाई जारी रहेगी। कि हम देख रहे हैं कि अभी लगातार हमारे मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि शाजापुर में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे रोको टोको अभियान जो कि शासन के प्रमुख योजना के रूप में जो है हमारे सामने है, उसका क्रियान्वयन यहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर शाजापुर में नगर पालिका राजस्व और पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। ये जब तक कोई ऊपर से निर्देश नहीं होगा तब तक ये लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।